माँ बेटी का रिश्ता मगर है सेक्स का वादा। इसके बारे में मैं आज एक केस स्टडी आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक लड़की करीब करीब 26 साल की मेरे पास में अकेली अकेली आई, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड और बहुत ही डिस्टर्ब, एजिटेटेड, मतलब गुस्सा आ रहा है उसको खुद का, और नर्वस भी है, नींद भी नहीं आ रही है और कंफ्यूज है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब भाई हुआ क्या। फिर उसने आप बीती सब बताई। बोले कि हम जो गांव में रहते थे वहाँ बाजू में ही एक औरत रहती थी, उसका और मेरा अच्छा मतलब संबंध, फ्रेंडशिप अच्छी हो गई। और धीरे 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 जैसे फ्रेंडशिप बढ़ते गए तो मुझे पहले से ही लेडीज़ की तरफ अट्रैक्शन था, तो उसके तरफ मुझे वैसा अट्रैक्शन होने लगा और उसका भी मेरे तरफ अट्रैक्शन होने लगा। वो शादीशुदा औरत, मगर उसके साथ में मेरा सेक्सुअल रिलेशनशिप चालू हो गया। अब प्रॉब्लम तो ऐसा है कि भाई ये लड़की उनके यहाँ जाती है, वो उसकी उम्र अभी एज ऑन टूडेट उसकी उम्र करीब 40 साल की है, ये 26 साल की अप्रॉक्सीमेटली। तो लोगों को समझने के लिए तो ये ऐसा है बाहर से दिखने में कि भाई नहीं, ये तो माँ जैसी है, बेटी जैसी है। बाहर के लोगों को तो बता रहे कि भाई हमारा रिश्ता तो माँ बेटी का है, ये तो मुझे बेटी जैसी है, ऐसा बताते हैं। और वो जो लेडी है 40 साल की, वो जो उसके पास में घर के पास में रहती थी, वो 40 साल की लेडी है, मगर वो बायसेक्सुअल है, उसको दो बच्चे भी है। और वो बोलती है कि अभी 40 साल की उम्र हो गई, अभी मेरा हस्बैंड इतना मेरे तरफ ख्याल भी देता नहीं है, पहले से भी इतना ज़्यादा ख्याल नहीं था, और वो बायसेक्सुअल थी, उसको दोनों तरफ झुकाव था। अब ये जो लेडी उनके घर के पास में रहती थी, ये बदल के चली गई दूसरे गांव में, उसके हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई। अभी वो गांव करीब करीब 100 किलोमीटर दूर है और ये इधर दूर है। अभी ये भी पढ़ने के लिए पूना चली गई। अब आ गया प्रॉब्लम कि मैंने उसके साथ में बात करूँ, मैं कम से कम बात तो करूँ। तो बात कर दी और उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो जैसा मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का होता है वैसा उनका चालू हो गया कि इसने बात नहीं किया, फ़ोन नहीं उठाया। तो ये जो लड़की है, मतलब ये जो छोटी लड़की 26 साल की, ये बहुत डिस्टर्ब। उसको तो या उसको इतना नहीं था, उसको इतना विड्रॉल नहीं आता था, मगर ये जो लड़की है उसने फ़ोन नहीं उठाया तो ये डिस्टर्ब होती थी। उसने बात नहीं किया तो डिस्टर्ब होती थी, सही ढंग से बात नहीं किया डिस्टर्ब होती। उसने समझो बोला, इसने फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया मगर बोला मैं काम में हूँ, ऐसे कैसे काम है, मेरे से बात नहीं कर रही है, और गुस्सा कर लेंगी। मतलब उसको लगता कि नहीं, उसने कम से कम बात तो करनी चाहिए, बात करने से भी उसको अच्छा लगता था, रिलीव लगता था। और अभी ऐसा हुआ कि भाई पढ़ाई के लिए दूर चली गई, वो ट्रांसफ़र भी हो गई, तो अभी कैसा करना। तो जब वो फिर से वो गांव में अपने पेरेंट्स के आती थी या जहां भी जाती थी तो मौका देती थी कि वो दोनों एक साथ कैसे आए फिर ये और सेक्स करे। फिर ये उसके पास में जाती थी घर में रहने के लिए उसको। अब घर में रहने के लिए बोले, तुम मेरे घर में आ रही है, मेरे बच्चे हैं, मतलब बेटे हैं, और तू घर में रह रही। तो बोले नहीं, मैं तो माँ की तरफ आ रही। मतलब लोगों बताने के लिए क्या है कि नहीं, हमारे पड़ोसी थे, बहुत प्यार था, अब वो खास स्पेशल मिलने के लिए वहाँ चली गई। तो उसके हस्बैंड की ट्रांसफ़र 100 किलोमीटर दूर भी होने के बावजूद भी वो वहाँ उसको मिलने के लिए बीच बीच में जाती है, उसके पास में रहती है, सेक्स करती है, और वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है, मगर वो ना भी नहीं बोलती है, और इसको बहुत विड्रॉल आता है। अच्छा, फिर मैंने इसको पूछा कि भाई मतलब बॉयज़ की तरफ, लड़कों की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं है? तो बोले नहीं नहीं अट्रैक्शन है ना, मतलब वहाँ भी मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मगर बहुत ज़्यादा ऐसे संबंध नहीं थे, और मैं शादी करूँगी, मगर मुझे लगता है कि भाई शादी नहीं किया समझो, और ऐसे रहे तो क्या हरकत है। मगर मैंने बोला भाई वो शादीशुदा लेडी है, उसका अपना परिवार है, उसको हस्बैंड है, बच्चे है, तो वो तेरे कितने दिन पूरेंगी, कितने दिन तेरे साथ में रहेंगे, वो साथ कब तक देने वाली है तेरा। तो माँ बेटी करके लोगों को बताने के लिए माँ बेटी है, माँ बेटी का रिलेशन है, अंदर से तो बस इतना प्यार करेंगी, अंदर जाके मालूम भी नहीं पड़ेगा लोगों को कि इतना प्यार चालू है अंदर करके, कब तक चलेगा ये, अकेली तो कैसी रहेगी। नहीं बोले मुझे शादी तो करना है, मगर ऐसा लगता है कि करना भी नहीं है क्योंकि ये ठीक चल रहा है। मतलब ठीक कहाँ चल रहा है, तू तो इतनी डिस्टर्ब हो रही है, इतना डिस्टर्ब हो जाती फ़ोन नहीं लिया तो। फिर बोले मैं, तू लास्ट कब गई थी? बोले अभी अभी पिछले हफ्ते में उसके पास में जाके आई मैं, तो उसके घर में रही, दो दिन भरपूर एंजॉय किया उसके साथ में। और बोलने के लिए तो यही है कि बेटी आई घर में और बहुत दिन के बाद में आई, और बातें कर रहे, गपशप कर रहे, खाना खिला रहे। उसके साथ में झगड़ा भी कर दिया, बोले मैं इतना झगड़ा किया उसके पास में जाके। और अभी तक तो ऐसा हो रहा है कि जब जब फ़ोन करती हूँ तो झगड़े ज़्यादा होता है। बोले झगड़ा क्यों करते हो? बोले झगड़ा इसलिए कि वो फ़ोन नहीं उठाती, अच्छी बात नहीं करती है, बोलती नहीं मेरे को टाइम नहीं है,
उसका इंटरेस्ट कम हो गया, इसका दुख इसको है कि वो जो मतलब वो 40 साल की, उसको ऐसा भी अभी एमसी का थोड़ा सा उसका ये हो गया, मतलब मेनोपॉज की तरफ जा रही है वो, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मगर फिर तभी भी उसको रेस्पॉन्ड तो कर ही रही है जब जब चाहे तब तक, मगर उसको बोला कि नहीं नहीं मुझे जितना लगाव है उसका उतना लगाव मेरी तरफ नहीं है, ठीक है उसका क्या होना चाहिए वो अपने कंट्रोल में नहीं है, तू क्या करती बोल। बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब देखो अभी ये तो संभव नहीं है कि भाई तू उसके साथ में कंटिन्यू रहेगी, ये तो लोगों को मालूम नहीं है आप कंटिन्यू, ऐसा भी नहीं है कि आप दोनों लेस्बियन नहीं, दोनों भी बायसेक्सुअल है आप, और दोनों को भी इच्छा है, मतलब वो तो शादीशुदा है, तुमको भी इच्छा है कि शादी करनी चाहिए, तो भी अपना अपना रास्ता ढूंढो, अपना अपना रास्ता तैयार करो, और ये भी बंद करना होगा आपको। और ये कितने दिन तक कैसा चलेगा है, क्योंकि आप शादी करके और कहीं चले जाएंगे, फिर उसके साथ में बात कैसे करेगी, कब मिलेंगे, क्या होगा। तू अपने माँ बाप की तरफ जाती नहीं है, मगर ये माँ की तरफ जाती है बार बार, तो ये कैसा चलेगा, और वो भी कितना टाइम देंगे आखिर। तो ये आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब ठीक है अपन बात करेंगे, काउंसिलिंग करेंगे, फिर मैंने मेरे पास में 2-3 बार और आई, फिर धीरे 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 उसको ये समझने लगा कि भाई ये लॉजिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अटैचमेंट है, और ये बंद करना चाहिए, और अभी उसने शादी करना चाहिए। बोले मुझे लगाव तो है वैसा, और ये संभव ही नहीं है कि दोनों एक साथ में रहेंगी, मतलब वो तैयार है अपना पति बच्चे छोड़ के तेरे साथ में आने को। बोले नहीं नहीं संभव ही नहीं है, तो मतलब उसको आना संभव नहीं है, तू तैयार है कि वहाँ जाके रह जाएंगी उनके यहाँ, कि चलो मैं बेटी हूँ चलो मुझे अडॉप्ट कर लो और मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगी। बोले नहीं नहीं उनके यहाँ जाके बोलेंगे भी शादी करो, तुम्हारी उम्र शादी की, यहाँ कहाँ आई, तो वहाँ भी जा सकती नहीं, फिर करेंगे क्या, आपको तो फ्यूचर करना पड़ेगा तैयार, तो फ्यूचर तैयार करो, देखो क्या संभव है। तो उसको काउंसिलिंग करने के बाद में अच्छा उसको रिजल्ट आया, धीरे 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 उसने बोला कि ठीक है अभी मैं रिश्ता बंद करूँगी। मैंने उसको ये भी बताया कि ज़्यादातर ये ऑब्सेशन पे ज़्यादा हो रहा है, मतलब ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट्स की तरफ ज़्यादा झुकाव उसका हो रहा है, मतलब बजाय लेस्बियन, एक्चुअली दोनों बायसेक्सुअल है, प्योरली लेस्बियन नहीं है, तो झुकाव ज़्यादा कहाँ हो रहा है, ऑब्सेशन की तरफ, कि बार बार विचार आना, बार बार रेस्टलेस होना, उसने फ़ोन नहीं उठाया तो रेस्टलेस हो जाना। तो उसको मैंने थोड़ा ऐसे सारा जो है वो दवाइयाँ भी दिया, मैंने तेरे को विचार जो है वो कम हो जाएंगे, क्लोमिप्रामिन दिया, हिप्नोथेरेपी करने के लिए बोला, साइकोथेरेपी का इलाज चालू किया, और धीरे 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 काफ़ी उसको फर्क पड़ रहा है। तो ये ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जो है होमोसेक्सुअल, भले लड़की लड़की है मतलब लेस्बियंस है, लड़का लड़का है मतलब गे है, प्योरली गे है या प्योरली लेस्बियन है मतलब बायसेक्सुअल नहीं है वो, ऐसे है, मगर अभी वो वहाँ रहना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि नहीं अभी मुझे शादी करनी है, मुझे अभी ये बंद करना है, मगर क्या करूँ आदत से मजबूत, बहुत मजबूर हो गए और मजबूत भी हो गए, तो अभी हमको बदलने का है। तो डेफिनेटली इनके लिए जब वो उनको एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, ऑब्सेसिव थॉट्स इतने उनको तंग करते हैं, फिर उनको प्रेशर समाज का है, मतलब कभी कभी उनका तो ऐसा लगता है कि भाई नहीं सुसाइड करके मर जाना चाहिए, क्योंकि समाज जो है उनका होमोसेक्सुअल समाज जो है, जो कम्युनिटी में रहते होमोसेक्सुअल कम्युनिटी, वो उनको इतना ये कर देती है, प्रेशराइज कर देती है कि उनको बाहर जाने देती नहीं है। तो ऐसे लोगों का डेफिनेटली विचार होना चाहिए, और नेशनल मेडिकल काउंसिल इसके ऊपर कुछ कानून तैयार करे या कुछ गाइडलाइंस तैयार करे, ये लोगों का विचार होना जरूरी है। वैसे इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी भी जब कुछ गाइडलाइंस तैयार करेंगे तो ये विचार होना जरूरी है कि जिनको अभी वो नहीं रहना है, वो ओरिएंटेशन उनको अच्छा लगता नहीं है, तो उनके लिए क्या करना है, और इसके ऊपर रिसर्च होना जरूरी है। जो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी।
या ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।